ट्रॉफी भी हमारी होगी और पार्ट टू इसमें विन करेगी इंशाल्लाह। मैं शाहीन को सपोर्ट कर रही हूँ और शाहीन देखिएगा अपनी परवाज के साथ ये विनिंग ट्रॉफी अपने साथ उड़ा कर ले जाएंगे और ज्यादातर ट्रॉफी भी पार्ट टू को ही जाएंगे, पार्ट वन इसमें लूजर। पदमवान में पार्ट वन, क्रिकेट में पार्ट वन ही राज करेगी, बेशक जीतेंगे वो रेस में। रेस में हम जीते, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीता हूं। बहुत जरूरी है कि आपकी एजुकेशन के साथ साथ जो है वो फिजिकल वो भी ग्रूमिंग होनी चाहिए। स्पोर्ट्स जो है ये फिजिकल ग्रूमिंग के लिए भी और मेंटल ग्रूमिंग के लिए भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट क्लास। नाज़रीन इस टाइम हम मौजूद हैं सियालकोट लॉ कॉलेज के स्पोर्ट्स गाला इवेंट के अंदर और 2 से 3 दिन से जो है ये इवेंट जारी है और आज उसका जो है वो फाइनल डे है। फाइनल क्रिकेट मैच जो है वो पीछे चल रहा है। 2-3 दिन से ये इवेंट जारी था, इसके अंदर जो है वो डिफरेंट गेम्स खेली गई जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स जैसे जैवलिन थ्रो, हैमर थ्रो, तो ये सारा जो इवेंट है वो आपको दिखाते हैं और जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनसे भी आपकी बात करवाते हैं और जो सियालकोट लॉ कॉलेज जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया, जो इनके डायरेक्टर्स हैं सियालकोट लॉ कॉलेज उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। तो आइए फिर चलते हैं इवेंट की तरफ। नाज़रीन इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर सियालकोट लॉ कॉलेज अदनान सफदर साहब। अदनान सफदर साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपने एक बड़ा अच्छा और हेल्दी इवेंट करवाया, क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में? और बहुत सारे लॉ कॉलेजेस हैं जो सियालकोट के अंदर मौजूद हैं लेकिन आपने जो है वो थोड़ा सा मुनफरद सोच रहे हैं, तो सबसे पहले इवेंट के बारे में हमें कुछ बताएं। देखें, ये बच्चों ने मिड टर्म के एग्ज़ाम दिए हैं अभी लॉ कॉलेज में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी एजुकेशन के साथ साथ जो है वो फिज़िकल जो है वो भी ग्रूमिंग होनी चाहिए। तो ये स्पोर्ट्स जो है ये फिज़िकल ग्रूमिंग के लिए भी और मेंटल ग्रूमिंग के लिए भी। 2 दिन से हमारा स्पोर्ट्स गाला चल रहा है और दोनों दिनों से बच्चे बहुत सारी चीज़ें अपनी एजुकेशन के अलावा सोसाइटी में सीख रहे हैं जो सोसाइटी में बाद में काम आएंगी। जैसे कि बच्चे सीख रहे हैं बर्दाश्त किस तरह से करनी है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेल रहे हैं तो फिर वो अपना अपने जिस्म पर जो है वो जो है सख्ती बर्दाश्त कर रहे हैं, इतनी गर्मी में भी खेलते रहे। अभी तो ये फाइनल चल रहा है तो 2 दिन से इनके मैचेस चल रहे हैं तरह तरह के। जी, तो इसमें देखा मैंने एक मुनफरद चीज़ के बच्चों का स्पोर्ट्स गाला तो हो जाता है लेकिन आप भी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे पूरी अच्छी तरह। वो इलाहाबाद आप हार चुके हैं, फाइनल में भी नहीं पहुंचे आप, तो फैकल्टी और स्टाफ जो है वो उसकी भी एक टीम थी, उसका क्या सारा? देखिए, वैनिटी स्पोर्ट्स, वी आर ऑल किड्स, तो ये बात आपकी सच है। ये कोई कि हम जो है वो मैच एक मैच सिर्फ जीत सके हैं एक टीम से, बाकी सारे के सारे मैच जो हमारी टीम्स हैं 3 वो जीती हैं, तो मेरे ख्याल से हमारा हारना बनता था मेरिट पे। जो टीम है फैकल्टी की वो बच्चों की सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश पे थी, अदरवाइज़ हमारी जो टीम्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हैं, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना चाहिए और हमने बड़ी खुशदिली से किया है। सही है जी, वो टीम्स दोनों मजबूत हैं तीनों और वो फिज़िकली फिट हैं, हम जो हैं वो अब स्पोर्ट्स में इतने आगे नहीं रह चुके। सही, तो कुछ ऐसी भी गेम्स थी जो आमतौर पे लोकल लेवल पे खेली नहीं जाती जैसे जैवलिन थ्रो थी और इसी तरह हैमर थ्रो और कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स गोलगप्पे खाने की भी आपने रखी हुई थी, तो ये भी आइडिया वगैरह जो है वो कहाँ से लिया? ये आइडिया सारे ना बच्चों ने खुद ही डिवाइस किए हैं, हमने सिर्फ उनको सपोर्ट किया है इनमें। सही है, तो है। बड़े डिसिप्लिन के साथ उन्होंने सारे के सारे ये प्रोग्राम्स किए हैं। हैमर थ्रो था, गोलगप्पे का प्रोग्राम भी था, चेयर रेस थी, उसके अलावा टैग टीम रेस थी, जो इवेंट्स आपने कवर भी किए हैं बहुत ज़्यादा अच्छे थे। बच्चों की फिजिकल हेल्थ मैं समझता हूँ कि बड़े फिजिकली फिट बच्चे हैं हमारे पास जो पढ़ रहे हैं। सही है, चलिए सर, थैंक यू वेरी मच और हम चाहेंगे कि इस तरह के इवेंट्स जो है वो आप करवाते हैं। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। नाज़रीन अभी सर, अभी हमारे साथ जो है वो तफहीम साहब मौजूद हैं जो सियालकोट लॉ कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल हैं और मज़े की बात यह है कि इस पूरे टूर्नामेंट क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर जो है वो इन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, यानी चाहे इनकी टीम्स जो हैं वो हार गई हैं, मैचेस नहीं जीत सकी लेकिन स्कोर जो है वो इन्होंने सबसे ज़्यादा किया और वो जो कैप होती है बैट्समैन वाली वो भी यही लेंगे। तो सर सबसे पहले तो आपको कैसा लग रहा है कि आपने सबसे ज़्यादा, इतने बच्चे शानदार खेल रहे हैं लेकिन स्कोर आपका ज़्यादा? बस मैंने कोशिश की है कि अपनी गेम खेलूं। मैं जब विकेट पे गया तो मेरा पहला प्रोग्राम यही था कि मैं पहले देखूं कि बॉल किस तरह की आ रही है। अच्छा। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि अपनी नेचुरल गेम खेलूँ और उस पर मैं कामयाब रहा हूँ।
बॉल मैंने मिडल करने की कोशिश की, मिडल हुआ है बॉल, और मैंने जहाँ बॉल को हिट करने की कोशिश की बॉल उधर हिट हुआ है, तो एट दी एंड मैं अच्छा स्कोर करने में कामयाब हुआ। इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इवेंट देखिए जी, आपके आपके सामने हमने कोशिश की मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनाइज करने की इसको, उसमें ना सिर्फ हमने अपने मेल स्टूडेंट को चांस दिया बल्कि फीमेल स्टूडेंट को भी चांस दिया, उन्होंने भी मुख्तलिफ जो है गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया। देखिए जब तक किसी भी अदारे के अंदर जब तक करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती तो उस वक्त तक आप स्टूडेंट की ग्रूमिंग नहीं कर सकते। तो जब भी बच्चा ग्राउंड में आएगा वो दो चीज़ें सीखेगा, एक वो कमांड के तहत काम करना सीखेगा और टीम वर्क सीखेगा और कमांड करना सीखेगा, और यही इसका मकसद था। एक हमने अभी रिसेंटली मिड टर्म एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म किया है, तो बच्चे सब का दो तीन महीनों से काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स के अंदर और पढ़ाई के अंदर प्रेजेंटेशन में प्रेशराइज थे, तो अब उनको एक मौका चाहिए था ज़रा वो थोड़ी जो है आउटडोर एक्टिविटी कर सकते, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो जाती, तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आपने देखा कि कैसा माहौल है, हमने कोशिश की है हर लिहाज से इसको मैनेज करने की। थैंक यू वेरी मच सर, आपके खुशी टाइम का और बहुत बहुत मुबारक भी हो आपको। थैंक यू वेरी मच। ये फ़र्क नहीं पड़ता हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं, ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ऑलमोस्ट हम सभी भाई हैं, एक या दो क्लास से हैं। वैसे उसकी वजह ये भी है कि क्योंकि आप हार चुके हैं। नहीं वो हार नहीं है, हम हारे नहीं, हम कुछ सीखे हैं। अच्छा। हम बिल्कुल भी नहीं हारे, हम सीखे हैं। जीत के हारने वाले क्या कहना चाहेंगे? हम कहते हैं जीत के हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। हाँ। और हम अल्लाह के हुक्म से बेशक ये मैच हारे, हम लोगों के दिलों को फतह कर रहे हैं, और एक दिल को फतह करना हजार किलो को फतह करने से बेहतर है। मैच तो ये है जीत हार होती रहती है, असल मामला दिलों पे राज करना, हम दिलों पे राज कर रहे हैं लोगों के। किसके दिल पे राज किया? ये जितने भी हमारे शायकीन है पूछे जाके, टीम वॉरियर सबके दिलों पे राज कर रही है। पार्ट वन में पार्ट वन, क्रिकेट में पार्ट वन ही राज करेगी, बेशक जीतेंगे वो रेस में, रेस में हम जीते अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जीता हूँ। बताता चलूँ की सियालकोट में सियालकोट ला कॉलेज एक वाहद ऐसा इदारा है की जो इतना पुरजोश और हर लिहाज से ऐसे प्रोग्राम मुनक़द करता है की सब बच्चे इंजॉय करते हैं, उसके साथ साथ तलीमी लिहाज से भी ये बहुत आला है। सियालकोट में मेरे ख्याल से ऐसा कोई दूसरा या तीसरा अदारा मौजूद नहीं जो इन जैसा बन पाए, या आइंदा भी जो नज़र आ रहा है इंशाल्लाह। सियालकोट ला कॉलेज जिंदाबाद। वालेकुम अस्सलाम, क्या कहना चाहेंगी पूरे इवेंट के बारे में? आज का इवेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था, ये स्पोर्ट्स का ला हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, देखिए जो क्रिकेट आज हुई है उसका बड़ा मज़ा आया है। वैरियर्स हारते रहे हैं और शाहीन जीत रहे हैं, और अभी भी तीन बॉल्स पे तीन छक्के इन्होंने मारे हैं, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और इंशाल्लाह ट्रॉफी भी हमारी होगी और पार्ट टू इसमें विन करेगी इंशाल्लाह। आप शाहीन को सपोर्ट कर रही हैं? बिल्कुल, मैं शाहीन को सपोर्ट कर रही हूँ, और शाहीन देखिएगा अपनी परवाज के साथ ये विनिंग ट्रॉफी अपने साथ उड़ा कर ले जाएंगे, और ये ज्यादातर ट्रॉफीज भी पार्ट टू को ही जाएंगे, पार्ट वन इसमें लूजर की टॉप रहेगी। पार्ट वन वाले वैसे ज्यादातर ट्रॉफीज ले चुके हैं, ऑलरेडी जीते हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस बाई चांस थोड़े बहुत गेम्स वो जीत चुके हैं, लेकिन ज्यादातर ट्रॉफीज शाहीन के पास आएंगे। अभी भी आप देखिएगा ये शाहीन की टीम बहुत ज्यादा अच्छा खेल रही है, और ऐसे ये खेलती रहेगी। थैंक यू सो मच। कैसा लगा पूरा दिन से जो है वो बड़ी पुरजोश भी नजर आ रही थी, कैसा लगा पूरा इवेंट? पूरा इवेंट सियालकोट लॉ कॉलेज की फैकल्टी की तरफ से मुनक्किद किया गया था, और ये हमारे लिए था मिड्स के बाद, और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इन लोगों ने हमें बिल्कुल इसमें देने दिया, शमूलियत हमारी की है, बट हमने क्रिकेट को बहुत इंजॉय किया है, हमारे बॉयज़ ने बहुत ज़्यादा इंजॉय करवाया, और हमारी टीम सेकेंड ईयर की जीत रही है, तो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर देम, एंड दे डिड वेरी वेल। और मैं एंड में थैंक यू कहना चाहूँगी अपनी फैकल्टी मेंबर को सर नान को। गोलगप्पे का इवेंट था, उसमें भी आपने पार्टिसिपेशन ली? नहीं उसमें नहीं लिया, बट हाँ दे डिड वेरी वेल। गोलगप्पे मज़े के नहीं थी, मैंने इसलिए नहीं लिया। हमें बहुत अच्छा फील हुआ है, क्योंकि हमें इंजॉयमेंट मिली है जो कि सियालकोट लॉ कॉलेज की तरफ से स्पोर्ट्स गाला का इनकाद हुआ है। बच्चे सारे पुरजोश अंदाज में नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारी टीम फाइनल में पहुंची है और फाइनल में क्वालिफाई किया हमने बड़ी मेहनत। फाइनल में मुश्किल हालात लग रहे हैं आपके क्या कहेंगे? नहीं फिलहाल तो मुश्किल में है, लेकिन कोशिश हमारी जारी है, इंशाल्लाह हम जीतेंगे आखिरी बाल तक जो है, आखिरी दम तक इंशाल्लाह। हम चेहरे वैसे आपके अभी से मदम हो गए हैं, इजहार है, मेहनत तो की है, लेकिन इस वक्त जो है टीम के हालात जो डाउन ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जीतेंगे हम। जी इस इवेंट का भरपूर इंतजार था, सियालकोट लॉ कॉलेज की तरफ से ये इवेंट मुनक़िद किया गया आज यहाँ पे, और दर्शकों ने दिल लगा के खेला है, बाकी आपके सामने है। फाइनल जीतने वाले हैं आप? फाइनल इंशाल्लाह इंशाल्लाह, फाइनल का पड़ा चढ़ता, लेकिन जैसे लड़कों ने वर्क किया, हर लड़के ने अपनी गेम दिखाई है, चाहे फील्डिंग है या बॉलिंग है, और रिजल्ट आपके सामने है, जीत जाएंगे लग रहा है इंशाल्लाह। बस स्कोर चेंज हो रहा है, लड़के लगे हुए हैं, हमें इसी तरह के सरगर्मियाँ होनी चाहिए जिससे हमें जोश हो रहा है, हमारी जो ये कम्युनिटी इसमें आगे आ सके।
बॉलिंग तो आपने बड़ी अच्छी की है, क्या लगता है जीत भी जाएंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, सियालकोट लॉ कॉलेज जिंदाबाद, सियालकोट लॉ कॉलेज जिंदाबाद।